चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट से जुड़ी बड़ी खबर। कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, दो दिन बैठकों में नामों पर मंथन किया गया, करीब 15 सीटों पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। कल दिल्ली जाएंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता। 11 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी और कल जिस तरह से सीईसी की बैठक में नेताओं को निर्देश दिए गए, सिंगल नाम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फाइनल करें। मुरैना, इंदौर, खरगोन, भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम, विदिशा, टीकमगढ़, जबलपुर, सतना, रीवा, सागर लोकसभा सीट पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। तो तमाम ये बची हुई सीटें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है और जल्द यही उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता यही कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द इन नामों पर भी मुहर लग जाएगी, इन पर भी, इन सीटों पर भी नामों का ऐलान जो है जल्द कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट से लेकर दिल्ली में जो लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू थी, दो तीन बैठक होने के बाद भी जो मंथन किया गया, उसमें 15 ऐसी सीटें पाई गई हैं जिस पर अभी तक असहमति नहीं बन पाई है। और कल दिल्ली में अब मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर्स हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद ही जो आखिरी फैसला है वो लिया जा सकता है।